एनर्जी डेंसिटी अब होता क्या है कि इस रूम में एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है तो इस रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी है तो ऑब्वियसली किसी वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है राइट right? किसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है ये वॉल्यूम है पूरा तो कितनी एनर्जी प्रेजेंट है इस रूम में उसको अगर मैं रूम के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी मास को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करूँ तो मास डेंसिटी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी तो कितने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां इस रूम में प्रेजेंट है या इसके आसपास प्रेजेंट है क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां क्या प्रेजेंट होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होगी तो कितनी एनर्जी प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं इसमें इसमें इस टॉपिक में हम एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन मैं आपको दो लाइन में ब्रीफ कर देता हूं पर आपको ये एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है प्रूफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम एक्सप्रेशन मेथड नंबर टू से हम करेंगे और किस चैप्टर में करेंगे कैपेसिटर जो आज स्टार्ट होगा कैपेसिटर्स में इसका प्रूफ बहुत आसान है और दो लाइन का ही है तो हम एनर्जी डेंसिटी का प्रूफ वहां से करेंगे और क्योंकि ये टॉपिक अब क्वान्टिटी में है तो ऑब्वियसली मैं इसको एक बार बता देता हूं कि कैसे किया दो लाइन में पर आप प्लीज इतना स्ट्रेस लेके ना पड़ें कि हमसे होगा या नहीं होगा आपको चाहिए भी नहीं है आपको सिर्फ एंड में इसका फॉर्मूला चाहिए प्रूफ एनसीआरटी में है पर वो कैपेसिटर की बुकलेट में डाल रखा है उस चैप्टर में डाल रखा है तो इसमें यह बताया हुआ है कि एक मेटल का ऑब्जेक्ट है एक मेटल का ऑब्जेक्ट के अंदर ई e की वैल्यू क्या है जीरो होती है 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 सबको मालूम और इमेजिन किया गया है कि कि मान लो मेटल का जो वॉल्यूम है इमेजिन किया वो थोड़ा सा क्या है फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिवली है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल तो क्या लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जिससे कि थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी चीज तो मान लेते हैं वैसे होता नहीं है मेटल एक्सपेंडेबल निकालने के लिए एक्सप्रेशन तो मान लिया एक्सपेंडेबल है और मेटल की सरफेस के बाहर ई e किसके इक्वल होता है सिग्मा बाय नॉट ठीक तो सिग्मा क्या होगा ई इन टू एप्लेनोट तो अगर ये वॉल्यूम पहले ये ब्लू कलर में था और थोड़ा एक्सपैंड हो गया मेटल तो इसका चेंज इन वॉल्यूम कितना है डीवी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया इसका एक्सपैंड हो गया ये तो एक्सपैंड चेंज इन वॉल्यूम डीवी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने निकाला था अपने टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी सरफेस के पास क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन किया था तो ये प्रेशर प्रेशर आ गया अब वर्क डन क्या होता है PDV, याद है पी याद में भी करते थे चेंज इन वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ वर्क डन तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ने ही वॉल्यूम को चेंज किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ने डीवी वॉल्यूम चेंज किया तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना किया पी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी वी तो मैंने पी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी वी किया तो ये मेरे पास क्या आ गया अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया अमाउंट ऑफ वर्क डन को चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हैं तो इतनी उसमें अंदर क्या स्टोर हो गई एनर्जी स्टोर हो गई तो अमाउंट ऑफ फील्ड एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम डी तो डी वॉल्यूम के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया उसको एक्सपैंड करने में वो स्टोर हो जाएगी इसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसलिए वर्क डन और एनर्जी को हमने सेम नाम दिया दोनों जूज में होते हैं तो चेंज इन एनर्जी इसके इक्वल है और जिसका सिंबल बड़ा डी यू कर दिया मैंने अब जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका सिंबल होता है छोटा यू एनर्जी का सिंबल होता है बड़ा यू एनर्जी डेंसिटी का सिंबल होता है छोटा यू एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल एनर्जी डेंसिटी के यूनिट होते हैं जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम राइट तो छोटा यू एनर्जी डेंसिटी निकालनी है एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो कितनी एनर्जी डी एनर्जी थी कितने वॉल्यूम में डीवी वॉल्यूम में अब इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखें ये DU और ये और तो अगर मैं इस टर्म को इसके नीचे डिवाइड कर दू तो मेरे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ही क्या निकली एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसके इक्वल है इसके इक्वल है सिग्मा की वैल्यू क्या है ई इन टू एफसेल नॉट यहां पुट करके ये आंसर आएगा प्रूफ क्रॉस कर दो नहीं चाहिए फॉर्मूला चाहिए इस फॉर्मूले को प्लीज नोट करो दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी एक सेकेंड ठीक है तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मुला क्लियर है आप एक चीज नोट करें एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है तो अगर एक चार्ज बॉडी के आसपास ई e प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो समझो वहां पर एनर्जी डेंसिटी होगी ही होगी फॉर्मूला क्लियर है फॉर्मूला मुझे करवाना नहीं था अभी